मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिस शहर के अंदर आज आप लोग यहां रह रहे हो, इस शहर की संगे बुनियाद हमने, हमारी फैमिली ने डाली और पहले से ही फोकस रहा कि कम्युनिटी को एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां मुहैया होना चाहिए। आज खुशी है इस बात की कि एक ही महीने में दो जूनियर कॉलेज बाजू की गली में, पिछले महीने सेंट हैरिस में हमने इनॉग्रेशन किया, आज सेंट एंटोनी में हम एंटोनी में यहाँ कर रहे हैं। नया नगर के इलाके के अंदर दानेगर जूनियर कॉलेज है, तीन साल पहले हमने अस्मिता जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया, आज आपने स्टार्ट किया। तो एजुकेशन के फील्ड में कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। बच्चों को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम, रिलीजियस एजुकेशन एंड वर्ल्डली एजुकेशन, दोनों की जरूरत है। क्योंकि दीन की तालीम, रिलीजियस एजुकेशन आपको प्रिंसिपल एंड एथिक्स सिखाता है और दुनिया में आने वाले हर मुश्किलों को किस तरह फेस करना है, ये आपको दुनिया की तालीम से नहीं मिलेगा, ये आपको दीन की तालीम से मिलेगा। और दीन की तालीम से ये मतलब नहीं कि उर्दू अल्फाज है दीन, रिलीजन, हर मजहब, जो इंसान जिस मजहब में उसका जन्म हुआ है उसने अपने मजहब की तालीम मुकम्मल लेना चाहिए, पूरी तरह लेना चाहिए। ये जो माहौल दुनिया में आज है, इस मुल्क में है, क्योंकि आप नए हो, आपने इतिहास पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, इसके लिए आपको लगता होगा कि ये क्या अफरा तफरी चल रही है इस मुल्क के अंदर। मजहब के ऊपर पूरी दुनिया में जंगे हुई है, लड़ाई हुई है, वॉर हुई है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, आपके पास अभी इंटरनेट आपके हाथ में होता है, यूट्यूब चैनल पे सिर्फ गाने बजाना सुनने वो देखने के बदले और टिकटॉक करने के बदले में अगर आप हिस्ट्री को देखोगे वर्ल्ड की, आप जाइए 15th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 1st सेंचुरी, बीसी में जाइए, तब भी आपको ये बात पता लगेगी कि हमेशा मजहब के नाम पे ही सत्ता स्थापन की गई है, धर्म के नाम पर ही, मजहब के नाम पर ही जंगे लड़ी गई है, वॉर्स हुई है। तो अगर आज इस मुल्क में जो भी अफरा तफरी मच रही है तो आप समझ लीजिए कि ये उसी जंग का एक हिस्सा है। और जंग में वही सक्सीड होता है, वही कामयाब होता है जो तालीम याफ्ता होता है। क्योंकि अभी की जो जंग है वो इस कलम की जंग है, जिसके पास इस कलम की ताकत होगी वो ये जंग जीतेगा। और इस कलम की ताकत के लिए आपको दीन की तालीम की जरूरत है, आपको दीन की तालीम की जरूरत है, क्योंकि दीन की तालीम आपको बताएगा कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, कौम को, लोगों को, सोसाइटी को किस दिशा में आपको ले जाना है। आप बीकॉम हो जाओगे, बीएमएस हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, मगर अगर आपके पास में एथिक्स नहीं होगा, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो आप सोसाइटी की सेवा और खिदमत नहीं कर पाओगे। सिर्फ उतना ही नहीं, आप एजुकेट तो हो जाओगे मगर अपने वालिद वालदैन के पेरेंट्स की भी खिदमत आप नहीं करोगे, भाई बहनों को उनका अधिकार और उनके हुकूक आप नहीं दोगे, आप समाज के हित में काम नहीं करोगे जब तक कि अगर आपके पास रिलीजियस टीचिंग और प्रीचिंग नहीं। क्योंकि रिलीजियस टीचिंग और प्रीचिंग में ही ये सारी चीज आपको मिलती है। तो आज जो भी जूनियर कॉलेज में यहाँ पे बच्चे एसएससी पास होकर के जूनियर कॉलेज में प्रवेश आज जो लोग ले रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए भी उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ये फिर से एक बार ताकीद करता हूँ कि आप चाहे जिस मजहब के हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, आपको आपके मजहब की तालीम लेना उतनी ही न्याय की जरूरी है। जब तक कि आप वो नहीं लोगे तब तक के इस मुल्क में और दुनिया में इसी तरह की अफरा तफरी चलती रहेगी, हम एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाते रहेंगे, एक दूसरे के मजहब को बुरी बातें बोलते रहेंगे,
क्योंकि आपको हमको खुद को अपने मजहब की प्रीचिंग पता नहीं, टीचिंग पता नहीं, और इसीलिए हम दूसरों की तरफ उंगलियां दिखाते रहे।